रीवा जिले के त्योथर क्षेत्र स्थित गढ़ी सोहरबा गांव के निवासी आशुतोष द्विवेदी की अमेरनिया में मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बेटे के शव को भारत वापस लाने के लिए सरकार प्रशासन और लोगों से भावुक अपील की है। आशुतोष द्विवेदी पिछले 2 वर्ष पूर्व रीवा के त्योथर स्थित गढ़ी मोहरबा गांव से MBBS की पढ़ाई करने अमेरनिया गए थे, जिनकी बीते दिनों अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। आशुतोष द्विवेदी तृतीय वर्ष के छात्र थे। बीते दिनों अज्ञात कारणों के चलते उनकी मौत हो गई। दुखद खबर की सूचना जब परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद अब परिजनों ने मीडिया के माध्यम से सरकार प्रशासन और सहित लोगों से बेटे का शव वापस भारत अपने घर लाने की भावुक अपील की है। परिजनों ने पहले तो ट्विटर के माध्यम से भावुक अपील करते हुए हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें बेटे का शव वापस भारत लाने के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरना है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जिससे वह शासन प्रशासन सहित आम लोगों से मदद मांग रहे थे, जिसके बाद अब मीडिया के सामने भी परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। हालांकि मामले को लेकर स्थानीय विधायक श्याम लाल द्विवेदी तथा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर आशुतोष के शव को भारत लाने में मदद करने की बात कही है। मेरा भतीजा है आशुतोष द्विवेदी, आज के 2 वर्ष पूर्व 17-3-20 को वो यहाँ से अर्मेनिया के राजधानी प्लेस इरविन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से गया था। फिर लास्ट बार बात आपकी कब हुई? अभी 15 दिन पूर्व हमारी बात तो कभी कभी होती थी, लेकिन 15 दिन पूर्व अपने बड़े भाई से उसने बात किया था। आपको जानकारी कैसे मिली? हमको हमारा एक भांजा है विनीत मिश्रा, उसके पास एक वहीं से टेलीफोन आया। किसका आया ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसने ये बताया कि उसका मर्डर हो गया है और आप लोग अपनी तैयारी करें और व्यवस्था बनाएं उसको ले आने की, या अन्य व्यवस्था जो कर सकते हो वो करें। क्या पढ़ाई कर रहा था बालक? बालक वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, MBBS की। कौन सा ईयर था? अब 2 वर्ष पहले हमारे अंदाज से उसका 5वां सेमेस्टर रहा होगा। शासन प्रशासन ने अभी तक क्या मदद की? शासन प्रशासन, हमारे यहाँ के आदरणीय विधायक जी ने भी पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने मेरे सामने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किया, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाई थी। आदरणीय सांसद जी ने भी यहाँ से पत्र लिखा है वहाँ के लिए, सेंट्रल मंत्रालय के लिए, विदेश मंत्रालय के लिए, विदेश मंत्री जो राज्य मंत्री हैं उनके यहाँ, और ये मीनाक्षी लेखी जी के यहाँ उनका पत्र गया है, और उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि हम आपकी लाश जो है वो दोबारा मैंने वापस इंडिया ले आएंगे और कराएंगे यहाँ। किसी प्रकार का संपर्क वहाँ से आपका हो रहा है? नहीं, अब वहाँ एक मेरा भतीजा अरविंद कुमार द्विवेदी रह रहा है, जो वहाँ एम्बेसी वगैरह से संपर्क जो है वो कर रहा है। उन्हीं मेडिकल का छात्र था, उसका निधन हो गया, सुनकर अस्तब्ध रह गया मेरा भांजा आशुतोष द्विवेदी, सनाफ कैलाशनाथ द्विवेदी सोहरबा। कि निधन की खबर सुनकर पूरे इलाके में मायूसी छा गई। शीघ्र में ग्राम सोहरबा गया, पूरा घर मातम में तब्दील था। मैं तत्काल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के विशेष कर्तव्य अधिकारी आदरणीय आनंद शर्मा जी से स्थिति को अवगत कराया। उन्होंने तत्काल राजस्व सचिव को, मुख्य सचिव को इस बात से अवगत कराकर दिल्ली में भांजे का पार्थिव शरीर भारत ले आने की कार्यवाही प्रारंभ करा दिया। और आज मेरी बात माननीय CM साहब से
हुई वो दिल्ली प्रवास में थे, उनसे इस संकट की घड़ी में हमने निवेदन किया कि मेरे भांजे का शरीर, पार्थिव शरीर हिंदुस्तान वापस ले आया जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि श्यामलाल चिंता मत करो, भांजे को तो नहीं ले आ सकता, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर तत्काल पार्थिव शरीर भारत ले आने का प्रयत्न करूँगा।